गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। द चैप्टर नंबर 9 इज द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो उसमें हमने स्टूडेंट्स आगे के वीडियो में पीट्स और टेंपल्स के बारे में हमने देखा था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेजेस में लिखेंगे दीज वेर प्रोवाइड बाई कम्युनिटी लीडर्स हु ऑल्सो फंक्शन एज टीचर एंड एडजस्ट एजुकेटर्स एंड वेर समटाइम एस्क्राइब विथ सुपर नेचुरल पावर। पीपल रिफर टू देम विथ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीयर्स। यहाँ पर बताया कि वो प्रोवाइड करते हैं बाय कम्युनिटी लीडर्स को हु ऑल्सो फंक्शन एज टीचर्स एंड एजुकेटर एजुकेटर को। तो वो समटाइम एस्क्राइब करते हैं सुपरी नेचुरल जो पावर है उसे, और पीपल रिफर करते हैं टू देम विथ अफेक्शन को एंड रिस्पेक्ट भी करते हैं एज पीयर्स को। तो ये जो दिस टर्म है वो टर्म है इंक्लूड करते हैं सेंट्स और सूफीज को एंड अदर रिजियन जो है पर्सनालिटीज करते हैं डेयरिंग कॉलोनाइजर्स एंड डिफाइन सोल्डर्स वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डेटीज को और इवन एनिमिस्टिक जो स्पिरिट्स है एनिमिस्टिक स्पिरिट्स जो बुद्धि डेटीज करते हैं हिंदू वेरियस टाइप्स में वो डिफाइड करते हैं। तो द कल्ट्स ऑफ पीर्स बिकम वेरी पॉपुलर पीर्स, यानी कल्ट्स ऑफ जो पीर है वो बिकम वेरी पॉपुलर है एंड देयर श्रीन्स कैन बी फाउंड एनी वेयर इन बंगाल में फाउंड करते हैं। तो इसके बाद बताया बंगाल ऑल्सो वाइटनेस्ड टेम्पल बिल्डिंग्स प्री फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी विच कल्टिवेटेड इन द 19th सेंचुरी। वी हैव सीन चैप्टर 2 and 5 दैट टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वेर ऑफन बिल्ट बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु वेर बिकमिंग powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. Men of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as the Kolu oil pressers and the Kansari bell metal workers. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to this social group avail of this. So, as their social and economical position improve. So, Bengal jo hai wo also विटनेस करता है टेम्पल बिल्डिंग को स्प्री फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी में विच कल्मिनेटेड इन द 19th सेंचुरी, यानी कल्मिनेटेड करता है 19th सेंचुरी में। वी हैव सीन वो हमने देखा था चैप्टर 2 and 5 में दैट टेम्पल जो हमने टेम्पल के बारे में तो देखा ही था एंड अदर रिलीजन और अदर रिलीजन जो स्ट्रक्चर्स करते हैं वेर ऑफन बिल्ट बाय इंडिविजुअल भी बिल्ड करते हैं एंड ग्रुप्स में भी करते हैं। तो वो वेर बिकमिंग पावरफुल होते हैं टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पेटी में। मैनी ऑफ द मोडेस्ट ब्रिक, यानी जो मोडेस्ट ब्रिक होते हैं एंड टेरेकोटा टेम्पल्स होता है इन बंगाल में, तो वेर बिल्ट वो बिल्ड करते हैं सपोर्ट ऑफ सेवरल लो के सोशल ग्रुप जो होता है सच एस कोलू जो ऑयल प्रेशर होते हैं एंड कंसार जो है बेल मेटल वर्कर होते हैं। तो द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग, यानी जो यूरोपियन ट्रेडिंग है कंपनीज क्रिएटेड करती है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। तो मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग करते हैं टू दिस सोशल ग्रुप्स अवेल ऑफ दिस और सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन वो इम्प्रूव करते हैं। और हमें यहाँ पर फिगर 11 एंड 12 भी बताया जो लेफ्ट एंड राइट में, तो ये डबल रूफ टैच हट है यानी डबल रूफ है उसके अंदर भी होगा। तो डबल रूफ यहाँ पर हमें फिगर में भी बताया और ये फिगर 12 है राइट में, तो वो 4 रूफ्टेड है टेम्पल विथ अ टावर की तरह बनाई है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज
They proclaim their status through the construction of temples. When local deities once worshipped in Thech, huts in villages gained the recognition of Brahmins. Their images began to be housed in temples. The temples began to copy the double roof dochila and four roof chauchila structure of the Thech huts. Remember the bungalow dome in chapter 5. This led to the evolution of the typical Bengali style in the temple architecture. तो यहाँ पर बताया है कि जो प्रोक्लेम करते हैं देयर स्टेटस को थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स जो होता है वैन लोकल डेटीज वंस वर्शिप इन थैच हर्ट्स इन विलेजेस गेन करते हैं एंड रिकॉग्नाइज ऑफ ब्राह्मण्स को रिकॉग्नाइज करते हैं देयर इमेजेस बिगन टू बी हाउस इन टेम्पल्स द टेम्पल्स बिगन टू कॉपी द डबल रूफ डोचला यानी जो डबल रूफ होते हैं और फोर रूफ्ड जो चौचला है डोचला एंड चौचला वो स्ट्रक्चर करते बाय थैच हर्ट्स को. रिमेंबर हम रिमेंबर करते हैं कि बंगला डोम जो है इन चैप्टर 5 में दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल में इन टेंपल आर्किटेक्चर जो है. तो इसके बाद है इन कंपैरेटिवली मोर कम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर फोर ट्राइंगल रूफ्स place on the four walls move up a coverage converge on a curved line or a point. Temples were usually built on a square platform. The interior was relatively plain but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles or terracotta tablets. In some temples, particularly in Vishnupur in the Bankura district of West Bengal, such decorations reach a high degree of excellence. तो यहाँ पर बताया कि comparatively more complex four roof structure होते हैं more complex जो four roof structure होते हैं four triangle roofs में place on the four walls होते हैं जो तो move up to converge वो move करते हैं converge on a curve line or a point. तो temples were usually built on a square platform यानी usually वो build करते हैं square platform और interior relatively जो plain उनका होता है और but the outer walls of many temples यानी outer walls होते हैं many temples में were decorated करते हैं with the painting यानी painting करते हैं. यहाँ पर हमें figure में भी ये painting बताइए जो walls पर वो paint करते हैं. In some temples particularly Vishnupur in the Bankura district of West Bengal such decoration reach high degree of excellence. तो इसके बाद हम next paragraph देखेंगे fish as food यानी fish जो है food के लिए. Traditional food habits are generally based on locally available item of food. Bengal is riverine plain which produces plenty of rice and fish. Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contains several references to fish. What is more, terracotta plaques on the walls of temples and viharas, Buddhist monasteries depict scans of fish being dressed and taken to the market in basket. तो यहाँ पर बताया कि जो traditional food है habits are generally based यानी वो habits होती है generally based on locally available item of food यानी locally जो available होती है item of food. तो Bengal is riverine plain which produces plenty of rice and fish यानी वो लोकली क्या खाते हैं राइस एंड फिश. अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेनू ऑफ इवन पुअर बेंगलीज.
फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, फिशिंग जो है ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है उनका। और बंगाली लिटरेचर कंटेन करते हैं सेवरल रिफरेंसेस टू फिश को। व्हाट इज मोर टेराकोटा, टेराकोटा प्लेक्वास जो है ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल एंड विहारस में। तो बुद्धिस्ट मॉन्स्टेरीज जो है डेपिक करते हैं स्कैंस को ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू मार्केट इन बास्केट, टेकन करते हैं। तो इसके बाद ब्राह्मण्स वेर नॉट ऑल अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल authorities relaxed this prohibition for the Bengal Brahmins and the Brihadma Purana, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish. तो जो ब्राह्मण्स है वे नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करते ईट नॉट वे नॉन वेजिटेरियन जो फूड होते हैं वो अलाउ नहीं करते। बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश, फिश इज़ अ लोकल डाइट है उनका, मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ जो रिलैक्स करते हैं और प्रोहिबिशन करते हैं फॉर बंगाल ब्राह्मण्स को। और द बृहद्धर्मा पुराना, यानी बृहद्धर्मा जो पुराना है वो 13th सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट किया था फ्रॉम बंगाल में, परमिटेड करते हैं द लोकल ब्राह्मण्स को टू ईट सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ फिश, यानी वो सर्टेन करते हैं वेराइटीज ऑफ फूड को फिश को, यानी उनकी वो वही परफॉर्म करते हैं जो उनको, मतलब फिश है, फिश में उनको अलग अलग वेराइटीज़ भी मिलती है। यहाँ पर फिगर 14 में भी बताया फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूप्शन टेराकोटा प्लेज फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल अरंबक। तो इनके हाथ में भी देखो यहाँ पर फिश दिखाई दे रही है, तो ये ऐसी ही फिगर